Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So guys, welcome to my YouTube channel Knowledge for Students. So guys, आज हमारा English सीखने का पहला दिन है और ये जो English है ये basically मैं बिल्कुल basic level से start कर रहा हूँ. ये सिर्फ उन students के लिए नहीं है कि जो थोड़ा बहुत पहले से जानते हैं, बल्कि स्टार्ट में जो है ये उन लोगों के लिए होगा. शायद आप में से जो ऑलरेडी इंग्लिश को जानते हैं वो शायद स्टार्ट में थोड़ा बोर होंगे, क्योंकि मैं जो स्टार्ट लेने जा रहा हूँ ये बेसिकली स्टार्ट जो है वो बिल्कुल बेसिक लेवल से, यानी कि उन लोगों के लिए भी है जो कि पहले से इंग्लिश को नहीं जानते हैं, जिनका बिल्कुल स्टार्टिंग है अभी. तो ये स्टार्ट वहाँ से मैं करूँगा और विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता हम नेक्स्ट अपर लेवल की तरफ जाएंगे. लेकिन स्टार्ट में शायद आप लोग थोड़ा बोर होंगे, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आप लोग आगे की क्लासेस को एंजॉय करेंगे. सो गाइस, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे पहले चार मेन स्टेप्स होते हैं. अब वो चार मेन स्टेप्स क्या हैं? फोर स्टेप्स फॉर लर्निंग इंग्लिश. सो जो सबसे पहला मेन स्टेप है वो है लेटर्स, यानी कि इंग्लिश को सीखने के लिए जो सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है वो है लेटर्स. उर्दू में हम इसको कहते हैं हरूफ, यानी कि ABC. अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो सबसे पहला जो इसका स्टेप होगा वो ABC है. अगर आपको ABC आती है तो आप इसके दूसरे स्टेप की तरफ जा पाएंगे. और इसका दूसरा स्टेप है वर्ड्स. वर्ड्स मीन अल्फाज. अब जब ये लेटर आते होंगे तो हम वर्ड्स बना पाएंगे, यानी कि अल्फाज बना पाएंगे. डेफिनेटली हरूफ मिलेंगे तो उससे आगे अल्फाज बनेंगे. अब अल्फाज मिलेंगे तो इसका तीसरा स्टेप बनेगा, यानी कि वर्ड्स मिलेंगे तो इसका तीसरा स्टेप बनेगा जो कि है सेंटेंस. अब सेंटेंस बेसिकली क्या है? जुमला. अब जुमला बेसिकली क्या होता है कि मुख्तलिफ अल्फाज को जो है हम एक तरतीब में लिख के एक जुमले की शक्ल देते हैं. तो सबसे पहला स्टेप लेटर्स, लेटर्स के बाद वर्ड्स, वर्ड्स के बाद सेंटेंस, और जब सेंटेंस सीख जाएंगे तो चौथा स्टेप जन्म लेगा या चौथा स्टेप हो पाएगा, और वो है स्पीच और पैराग्राफ. अब जैसे कि मिसाल के तौर पे अब लेटर्स हैं, तो लेटर्स मीन ABC सो ऑन, ये जेड तक जाएंगे. ठीक है, अब ABC आती होगी तो हम वर्ड्स बना पाएंगे. फॉर एग्जांपल जैसे कि एक वर्ड है कैट, CAT, कैट. अब फर्ज करें कि हमें ABC आती नहीं है तो हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं या कैसे हम ये समझ पाएंगे कि ये क्या लिखा हुआ है? सेम लाइक दैट देयर इज़ वन मोर वर्ड टेबल, TABLE. अब देखिए कि अगर हमें स्पेल ही नहीं आते हैं तो हम इससे ये कैसे लफ्ज बना सकते हैं? इसी तरह से जब ABC आती होगी तो हम वर्ड्स बना पाएंगे. जब वर्ड्स आते होंगे तो वो जुमले की शक्ल इख्तियार करेंगे. मिसाल के तौर पे हमारे पास एक जुमला है, आई गो टू कॉलेज. अब ये चार वर्ड्स मिले तो तब जाके एक सेंटेंस बना, एक जुमला बना. तो अब इसको जुमले की शक्ल हम तब देंगे जब अल्फाज आते होंगे, तो जब अल्फाज ही नहीं आते तो हम इसको जुमले की शक्ल कैसे दे सकते हैं? तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जो अगला स्टेप है वो पिछले स्टेप से लिंक्ड है. अगर पिछला स्टेप नहीं आता तो आप किसी सूरत भी अगले स्टेप की तरफ नहीं जा सकते. सो गाइज, सबसे पहली चीज़ कि आपको लेटर्स आने चाहिए, जो कि ऑलमोस्ट हम में से ऑलमोस्ट हम सबको आते हैं. दूसरा स्टेप है वर्ड्स. वर्ड्स भी बहुत से स्टूडेंट्स को आते हैं और बहुत से वर्ड्स मैं खुद भी आपको सिखाऊंगा. अब वर्ड्स के बाद तीसरा स्टेप होगा सेंटेंस मेकिंग, और ये चीज़ इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा. अब जब सेंटेंस मेकिंग आप सीख जाएंगे तो उसके बाद ऑटोमेटिकली स्पीच या पैराग्राफ की शक्ल इख्तियार कर लेगा. जब आप डिफरेंट सेंटेंसेस को एक पैराग्राफ की सूरत में लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली एक स्पीच की शक्ल या पैराग्राफ की शक्ल इख्तियार कर लेगा. चलें गाइस, सबसे पहले आगाज़ करते हैं कुछ अल्फाज सीखने से, और अल्फाज के बाद फिर हम जुमलों की तरफ जाएंगे. तो सबसे पहला जो लफ्ज़ है हमारे पास वो है मैं. मैं की इंग्लिश होती है
आई। उसके बाद है हम, हम की इंग्लिश होती है वी। उसके बाद तुम या आप, तुम या आप की इंग्लिश होती है यू। इसके बाद है वो, यानी कि वो ज़्यादा लोग, वो लड़के भी हो सकते हैं, वो लड़कियां भी हो सकती हैं और मिक्स भी हो सकते हैं, यानी कि वो जमा, दे। वो एक लड़का, यानी कि जब कोई सिंगल मर्द है या कोई सिंगल आदमी है या कोई लड़का है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे ही। वो एक लड़की, अगर वो अकेली लड़की होगी या औरत होगी तो उसके लिए शी, और ये के लिए इट। इसके बाद है मुझे, मुझे की इंग्लिश है मी। हमें, हमें की इंग्लिश है अस। तुम्हें या आपको, इसकी इंग्लिश है यू। उन्हें, यानी कि उन ज्यादा को, देम। उसे, यानी कि उसे एक लड़के को, हिम। और उसे, यानी कि उसे एक लड़की को, हर। तो लफ्ज़ है जाना, जाना की इंग्लिश है गो। आना कम, काम करना वर्क। खरीदना बाय, देखना वॉच। सुनना लिसन, बोलना स्पीक। पढ़ना रीड, लिखना राइट। पहनना वियर, खाना ईट। बताना टेल, पूछना आस्क। पकाना कुक। सो गाइस, ये चंद एक अल्फाज हैं जो कि मैंने आपको बहुत बहुत कम से, बट ये बेसिकली हमने चूँकि अपनी क्लास का आगाज़ करना है तो अपनी क्लास का आगाज़ करने के लिए ये अल्फाज हमारे लिए बहुत हैं। आपने ये अल्फाज तैयार करने हैं, जब आप ये अल्फाज तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह कल हम अगले स्टेप पे जा पाएंगे, जो कि हमारा अगला स्टेप है जुमला बनाना, सेंटेंस मेकिंग। जब ये हमारे पास अल्फाज होंगे तो तब हम जुमले बना पाएंगे। सो गाइस, आज का काम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आप लोगों के साथ अगली क्लास में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।